स्वागत है आपका इंडियन फूड्स विद उषा में। आज हम बनाएंगे खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने आधा कप बड़े दाने वाला साबूदाना लिया है, इसे बाउल में डाल देंगे और इसे 3 से 4 बार साफ पानी से अच्छी तरह से धुल देंगे। इस तरह से धुलने से साबूदाने के ऊपर जो सफ़ेद पाउडर होता है, जिसे स्टार्च कहते हैं, बाहर निकल जाएगा। साबूदाने की खिचड़ी बिल्कुल खिली खिली और सफ़ेद बनेगी। आप जब भी साबूदाने की खिचड़ी बनाएं तो साबूदाने के बड़े दाने का ही प्रयोग करें। इस तरह से सारे पानी को छानते हुए हम अलग हटाते जाएंगे और इसे सूखा कर लेंगे। अब इसमें हम 1/4 कप साफ पानी डालेंगे। पानी जब भी आप डालें तो साबूदाने से 1 इंच नीचे ही पानी रहना चाहिए, इसके लेवल तक पानी नहीं रखेंगे। इसे ढककर 3 से 4 घंटे तक छोड़ देंगे। 3 से 4 घंटे तक हो चुका है, साबूदाना फूलकर बड़ा हो गया है। इस तरह से हाथ से दबाकर चेक कर लेंगे। अब इसमें हम 1/4 कप भुनी हुई मूँगफली का पाउडर डाल देंगे। मूँगफली को हमने सूखा ही भून लिया था और उसका पाउडर बना लिया है, इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डाल देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे। अब गैस चलाकर कढ़ाई गर्म कर लेंगे और 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। 1/2 चम्मच खड़ा जीरा डालेंगे। जीरा को थोड़ा चटकने देंगे। 1 मीडियम साइज कटे हुए उबले आलू डाल देते हैं और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और 8 से 10 करी पत्ते डालेंगे। इस स्टेज पर अगर आप व्रत में टमाटर खाते हो तो इसमें टमाटर भी काट करके डाल सकते हैं। अब इसमें हम 8 से 10 दाने भुनी हुई मूंगफली डाल देते हैं, इसे भी साथ में भून लेंगे और स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालेंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे। लो फ्लेम पर इसे भूनना है। अब इसमें हम साबूदाने को डाल देते हैं। साबूदाना डालते समय गैस का आंच धीमा रखेंगे और इसे हम तेज आंच पर 2 मिनट तक भून लेंगे। 1 चम्मच देसी घी ऊपर से डाल देते हैं और इसे हम लगातार चलाते हुए तेज आंच पर भूनेंगे। थोड़ा सा बारीक कटी हरी धनिया की पत्ती डाल देते हैं। अगर आप धनिया की पत्ती व्रत में नहीं खाते तो इसे ना डालें। इसे डालकर भी 1 मिनट तक भून लेंगे और थोड़ा सा कटा हुआ नींबू का रस डाल देंगे। 1/2 टुकड़ा हमने नींबू का रस डाला है, इसे सबसे लास्ट में डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिला देते हैं। ये देखिए, बिल्कुल खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी तैयार हो गई है। गैस ऑफ कर देंगे और इसे 1 प्लेट में निकाल देंगे। अगर आप इस तरह से साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं तो आपकी खिचड़ी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह कैसा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। धन्यवाद।